हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में। ड्यूरिंग विक्टोरियन एज के समय जो विक्टोरियन लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था, जो ग्रोथ हुई थी डिफरेंट जर्नल्स में, वो क्या थी, कैसे थी। तो इस तरीके से यहाँ पर विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस तरीके से आपके लिए नोट्स लेकर आते रहते हैं हम लिटरेचर से रिलेटेड। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में। द विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरियन एज का जो नाम रखा गया वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया, हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901। जिन्होंने 1837 से 1901 तक रूल किया, शासन किया। शी वॉज द फर्स्ट मोनार्क टू सी हर नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ हर रेन वाइल स्टिल लिविंग। वो ऐसी पहली मोनार्क हैं, पहली ऐसी रानी हैं जिन्होंने अपने जीते हुए, अपने मतलब जो अभी जिन, मतलब जो जिंदा थी, अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने समय के, अपने शासन के, अपने रेन के समय जो पीरियड का नाम रखा गया वो उनके नाम पर रखा गया था। तो उनके जीवन काल के समय ही रखा गया था, यानी कि ऐसी वो पहली मोनार्क थी। नेक्स्ट है, सेवरल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के समय कई तरीके के रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स हुए थे, विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर, जिसने लिटरेचर को काफी इन्फ्लुएंस किया था। ड्रामेटिक मोनोलॉग इमर्ज्ड एज अ पोएटिक फॉर्म इन द पोइम्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएटिक फॉर्म के रूप में इमर्ज हुआ रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम्स में। इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की एज थी। द मेजर डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन ब्रिटेन ड्यूरिंग, जो मेजर डेमोक्रेटिक मूवमेंट था ब्रिटेन में ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरियाज रेन, क्वीन विक्टोरिया के समय में, वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्सपैंडिंग द वोटिंग पॉपुलेशन फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। वो किस लिए था कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उनके लिए वोटिंग पॉपुलेशन को एक्सपैंड किया जाए, वोटिंग पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, इसके लिए ये मूवमेंट था। दिस मूवमेंट इज नोन एज द चार्टिस्ट मूवमेंट, और इस मूवमेंट को चार्टिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। ऑफ 1838 बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास के एजिटेटर्स थे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के लिए। द विक्टोरियन पीरियड वॉज अ हाई पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का हाई पॉइंट माना जाता था, विच प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स, जिसमें कई प्रोमिनेंट राइटर्स प्रोड्यूस हुए थे, सच एज जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, द प्रोन्स, द ब्राउनिंग्स एंड ऑस्कर वाइल्ड। राइटर्स ऑफ दिस एज वर परसेप्टिव टू न्यूमरस चेंजेस, और इस एज के जो राइटर्स थे वो परसेप्टिव थे इसके प्रति, न्यूमरस चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के समय जो भी चेंजेस अकर होते थे उसके लिए परसेप्टिव थे, एंड रिफ्लेक्टेड अपॉन दीज इन देयर राइटिंग्स, और उन चेंजेस को अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करते थे। डिकेंस फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कमेंटेड ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द पुअर लॉज इन हिज नॉवल्स। डिकेंस ने पुअर लॉज को अपने नॉवल्स में, डिकेंस फॉर इंस्टेंस कमेंटेड ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द पुअर लॉज, पुअर लॉज के जो इफेक्ट्स थे उसको उन्होंने अपने नॉवल्स में दिखाया। टेनिसन एंड ब्राउनिंग रिप्रेजेंटेड द टू पिलर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। टेनिसन और ब्राउनिंग ने रिप्रेजेंट किया किसको, टू पिलर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री के टू पिलर्स को रिप्रेजेंट किया। एंड द ड्रामेटिक मोनोलॉग वॉज अ प्रीफर्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो था वो प्रीफर्ड मोड था एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि अपनी पोइट्री में, अपने वर्क्स में जो एक्सप्रेशन दिखाना था उसके लिए प्रीफर्ड मोड यूज किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग। However, even though these poets flourished in the early part of the Victorian period, यद्यपि ये जो poets थे
ये विक्टोरियन पीरियड के अर्ली पार्ट में फ्लरिश हुए थे ये पोइट्स. द नोवल बिकेम द फॉरमोस्ट चूजन बाई राइटर्स लेटर ड्यूरिंग द पीरियड. लेकिन बाद के पीरियड में जो सबसे अधिक चूज किया गया था वो चूज किया गया था नोवल को. इनकी इसमें नोवल को ज्यादा चूज किया गया था. नोवल जो जेनर है इसको ज्यादा चूज किया गया था. ज्यादातर नोबलिस्ट इसमें हुए थे और इस वजह से जो नोबलिस्ट थे वो भी काफी अच्छे रहे थे, फेमस रहे थे. इस वजह से विक्टोरियन पीरियड को नोवल्स के लिए लीडिंग लिटरेरी जेनर कहा गया है नोवल को विक्टोरियन एज का, और इसे गोल्डन एज भी कहा गया है नोवल के लिए. आर्थर ह्यू क्लो रिमार्क्स करते हैं, कहते हैं द मॉडर्न नोवल इज प्रीफर टू द मॉडर्न पोएम. मॉडर्न नोवल को प्रीफर किया गया किससे? मॉडर्न पोएम से. मॉडर्न पोएम से प्रीफर किया गया किससे? मॉडर्न नोवल को. इट वॉज इन द विक्टोरियन इरा दैट द नोवल बिकेम द लीडिंग लिटरेरी जेनर इन इंग्लिश. ये विक्टोरियन इरा थी जब जो नोबल था वो लीडिंग लिटरेरी जेनर बन गया इंग्लिश में. इंग्लिश का लीडिंग लिटरेरी जेनर बना नोबल किस एज में बना? वो विक्टोरियन एज में बना था. विक्टोरियन एज में ही जो नोबल था उसे सबसे ज्यादा पहचान मिली, सबसे ज्यादा माना गया, और ये लीडिंग लिटरेरी जेनर बन गया इंग्लिश का. नेक्स्ट है, वुमेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस राइजिंग पॉपुलैरिटी बोथ एज ऑथर्स एंड एज रीडर्स. वुमेन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसमें वुमेन ने भी काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इन दिस राइजिंग पॉपुलैरिटी. ये जो राइजिंग पॉपुलैरिटी थी नोवल की, इसमें वुमेन ने भी काफी अपना रोल निभाया है, ऑथर्स के रूप में भी और रीडर्स के रूप में भी. नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट अर्ली एग्जाम्पल ऑफ दिस जेनर. जो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल हैं इस जेनर के वो हैं सिबिल और द टू नेशंस बाय बेंजामिन डिजरेली एंड चार्ल्स किंगलीज एल्टन लॉक. जो सिग्निफिकेंट अर्ली एग्जाम्पल्स हैं इस जेनर के, यानी कि नोवल के जो सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल हैं उसमें आपका है सिबिल और द टू नेशंस बाय बेंजामिन डिजरेली और चार्ल्स किंगलीज एल्टन लॉक. नेक्स्ट है, चार्ल्स डिकेंस इमर्स्ड ऑन द लिटररी सीन इन द लेट 1830s. चार्ल्स डिकेंस नोबलिस्ट हैं, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं नोबलिस्ट में. इमर्स्ड ऑन द लिटररी सीन इन द लेट 1830s. ये कब इमर्ज हुए? 1830s का जो टाइम था उस समय ये इमर्ज हुए. एंड सून बिकेम प्रोबेबली द मोस्ट फेमस नोबलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और सून जल्द ही वो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में मोस्ट फेमस नोवलिस्ट बन गए. नेक्स्ट है, डिकेंस फियर्सली सैटराइज्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. डिकेंस ने सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स को सैटराइज किया है, इंक्लूडिंग द वर्क हाउस इन ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट में जो वर्क हाउस की कंडीशन है उस पर भी सैटायर किया है, उसको भी सैटराइज किया है. इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को सैटराइज किया है. नेक्स्ट है, विक्टोरियन पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड ट्रिमेंडस ग्रोथ इन पीरियोडिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स. विक्टोरियन पीरियड में सभी तरह के पीरियोडिकल्स की ग्रोथ हुई थी. पीरियोडिकल्स की ग्रोथ हुई थी इसमें, जैसे लेटर्स हैं या डायरी एंट्रीज हैं, और जो भी इसमें बुक्स जो ज़्यादातर पब्लिश हुए थे वो सीरियल के रूप में पब्लिश हुए थे. यानी कि बुक के रूप में पब्लिश ना होकर सीरियल के रूप में पब्लिश हुए थे. यानी कि मान लीजिए जैसे कि एक पार्ट अभी इसका पब्लिश हुआ है और इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, और उसके बाद उसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी. जैसे कि सीरियल चलता है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी आपको मिलती रहती है जिससे कि रीडर्स में क्यूरियोसिटी बनी रहे. नेक्स्ट पॉइंट है, एन अर्ली रिवाइवल टू डिकेंस वॉज विलियम मेकपीस थाकरे. डिकेंस के लिए जो अर्ली रिवाइवल थे वो कौन थे? डिकेंस के साथ में विलियम मेकपीस थाकरे थे, हु ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड रैंक्ड सेकंड ओनली टू हिम. जिन्हें विक्टोरियन पीरियड में चार्ल्स डिकेंस के बाद सेकंड माना जाता है.
बट ही इज नाउ नोन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वैनिटी फेयर. लेकिन आज हम उन्हें एक्सक्लूसिवली उनके वैनिटी फेयर के लिए ज्यादा जानते हैं. उनका जो वैनिटी फेयर जो उनका वर्क है उसके लिए हम उन्हें ज्यादा जानते हैं, विलियम मेकपीस ठाकरे को, जो विक्टोरियन पीरियड में चार्ल्स डिकेंस के बाद नंबर टू पर समझे जाते थे. नेक्स्ट है द ब्रोंट सिस्टर्स एमली, चार्लोट एंड एन वर अदर सिग्निफिकेंट नोबलिस्ट इन द 1840s एंड 1850s. जो ब्रोंट सिस्टर्स थी, थ्री सिस्टर्स थी, ये ब्रोंट सिस्टर एमली ब्रोंट, चार्लोट ब्रोंट एंड एन ब्रोंट, ये भी सिग्निफिकेंट नोबलिस्ट थी 1840s में एंड 1850s में. नेक्स्ट है जेन अयर एन ऑटोबायोग्राफी बाय चार्लोट ब्रोंट. चार्लोट ब्रोंट के द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई जेन अयर वॉज द फर्स्ट ऑफ द सिस्टर्स नॉवल्स टू अचीव सक्सेस. इन तीनों सिस्टर्स का जो इन्होंने वर्क थे उनमें से ये जेन अयर फर्स्ट वर्क ऐसा था, फर्स्ट नॉवल ऐसा था जिसने सक्सेस अचीव की थी. नेक्स्ट है एमली ब्रोंट्स नॉवल वॉज वदरिंग हाइट्स. एमली ब्रोंट का मोस्ट फेमस जो नॉवल है वो है वदरिंग हाइट्स. नेक्स्ट द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल बाय एन ब्रोंट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल्स. एन ब्रोंट ने जो नॉवल लिखा है द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, जिसे क्या समझा जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल्स. जो फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल्स थे उनमें से एक माना जाता है द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, जो एन ब्रोंट के द्वारा लिखा गया. नेक्स्ट है एलिजाबेथ गैस्केल वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल राइटर एंड हर नॉर्थ एंड साउथ कंट्रास्ट द लाइफ स्टाइल इन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड विद द वेल्दियर साउथ. एलिजाबेथ गैस्केल वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल राइटर, वो भी एक सक्सेसफुल राइटर थी. एंड हर नॉर्थ एंड साउथ, और उनका जो नॉर्थ एंड साउथ है, कंट्रास्ट द लाइफ स्टाइल इन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड विद द वेल्दियर साउथ. वेल्दियर साउथ और इंग्लैंड के नॉर्थ इंडस्ट्रियल नॉर्थ के साथ में कंट्रास्ट को शो करता है, उन दोनों में कंट्रास्ट दिखाता है साउथ, वेल्दियर साउथ और इंडस्ट्रियल नॉर्थ के बीच में उनकी जो लाइफ स्टाइल है, दोनों डायरेक्शन में, साउथ में और नॉर्थ में जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसे डिपिक्ट किया है उन्होंने अपने नॉवल नॉर्थ एंड साउथ में, जिसमें ये नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कंट्रास्ट दिखाती हैं कि वेल्दियर साउथ और इंडस्ट्रियल नॉर्थ के बीच में क्या कंट्रास्ट है. नेक्स्ट एंथनी ट्रोलोप वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोलिफिक एंड रिस्पेक्टेड इंग्लिश नोबलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा. एंथनी ट्रोलोप भी मोस्ट सक्सेसफुल और प्रोलिफिक एंड रिस्पेक्टेड इंग्लिश नोबलिस्ट में से थे विक्टोरियन एरा के. नेक्स्ट जॉर्ज इलियट पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस वॉज अ मेजर नॉवलिस्ट ऑफ द मिड विक्टोरियन पीरियड. जॉर्ज इलियट जिन्होंने जिनका पेन नेम था मैरी एन इवांस, मैरी एन इवांस के पेन नेम के अंडर उन्होंने भी वर्क्स लिखे हैं जॉर्ज इलियट ने, ये भी मेजर नॉवलिस्ट थी मिड विक्टोरियन पीरियड की. हर वर्क्स, इनके जो वर्क्स है स्पेशली मिडिल मार्च आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स. मिडिल मार्च इनका जो वर्क्स है उसमें जो मिडिल मार्च है स्पेशली वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लिटरेरी रियलिज्म का. लिटरेरी रियलिज्म का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया. नेक्स्ट है जॉर्ज मेरेडिथ इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज नॉवेल्स द ऑर्डियल ऑफ रिचार्ड फेवरल एंड द इकोइस्ट. जॉर्ज मेरेडिथ भी अपने बेस्ट जो उनके नॉवेल्स थे ये दोनों, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं. नेक्स्ट एन इंटरेस्ट इन रूरल मैटर्स एंड द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री साइड इज सीन इन द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, रूरल मैटर्स एंड द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड की जो चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री साइड की, या रूरल मैटर्स के बारे में, ये सब चीज हमें किसके नॉवेल्स में देखने को मिलती है, थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एंड टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स. नेक्स्ट हार्डी इज अ विक्टोरियन रियलिस्ट. हार्डी विक्टोरियन रियलिस्ट थे इन द ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज इलियट. जॉर्ज इलियट की ट्रेडिशन के रूप में वो विक्टोरियन
रियलिस्ट थे एंड लाइक चार्ल्स डिकेंस ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच इन विक्टोरियन सोसाइटी. और चार्ल्स डिकेंस की तरह वो हाईली क्रिटिकल थे विक्टोरियन सोसाइटी में. नेक्स्ट है एनदर सिग्निफिकेंट लेट 19th सेंचुरी नोबलिस्ट इज जॉर्ज रॉबर्ट ग्रिसिम. लेट 19th सेंचुरी जो नोबलिस्ट थे सिग्निफिकेंट नोबलिस्ट थे जॉर्ज रॉबर्ट ग्रिसिम हु पब्लिश 23 नोवल्स बिटवीन 1880 एंड 1903. 1880 और 1903 के बीच में इन्होंने 23 नोवल्स पब्लिश किए. हिज बेस्ट नोन नोवल इज न्यू ग्रब स्ट्रीट. और उनका बेस्ट नोन नोवल है न्यू ग्रब स्ट्रीट. नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न फैंटेसी जेनर इज जनरली सेट टू बिगिन विद जॉर्ज मैकडोनल. द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फैंटेसी जेनर जो मॉडर्न फैंटेसी जेनर की हिस्ट्री है वो जनरली शुरू हुई किससे शुरू हुई जॉर्ज मैकडोनल के साथ में शुरू हुई. द इन्फ्लुएंशियल ऑथर ऑफ द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन एंड फैंटेसी जो ये ऑथर हैं किसके हैं जो जाने जाते हैं इन्फ्लुएंशियल ऑथर हैं प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन के एंड फैंटेसी के. नेक्स्ट है विकी कॉलिंस एपिस्टोलरी नोवल. विकी कॉलिंस का जो एपिस्टोलरी नोवल है द मूनस्टोन. मूनस्टोन ये विकी कॉलिंस का नोवल है जो कैसा है एपिस्टोलरी नोवल है इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट डिटेक्टिव नोवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट डिटेक्टिव नोवल के रूप में जाना जाता है. द मूनस्टोन किसके द्वारा लिखा गया है विकी कॉलिंस के द्वारा जो कि एक एपिस्टोलरी नोवल है. अब एपिस्टोलरी नोवल क्या होता है आइए आगे बताते हैं. Epistolary novel is a novel written as a series of documents. Epistolary novel जो होता है वो documents की series के रूप में लिखा जाता है. Usual form is और इसकी usual forms कौन सी होती हैं letters, although diary entries, newspaper clippings and other documents are sometimes used. तो ये documents के series के form में epistolary लिखे जाते हैं. Next, Robert Louis Stevenson was an important Scottish writer at the end of the 19th century. 19th सेंचुरी के एंड में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश राइटर थे. ऑथर ऑफ स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जयकाल जिन्होंने लिखी है नोबल स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जयकाल एंड मिस्टर हाइड एंड द हिस्टोरिकल नोबल किडनैप्ड. नेक्स्ट है एच जी वेल्स राइटिंग करियर बिगेन इन द 1890s विद साइंस फिक्शन नोवल्स. एच जी वेल्स का राइटिंग करियर स्टार्ट हुआ था 1890s में उनके साइंस फिक्शन नोवेल्स के साथ में लाइक जैसे कि द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड. ही आल्सो रोट रियलिस्टिक फिक्शन अबाउट द लोअर मिडिल क्लास इन नोवेल्स लाइक किप्स. इन्होंने रियलिस्टिक फिक्शन भी लिखे हैं लोअर मिडिल क्लास के बारे में जो उनका नोवेल है वो है किप्स. मिडिल क्लास के बारे में रियलिस्टिक फिक्शन जो इन्होंने लिखी है. नेक्स्ट है डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट वॉज द फर्स्ट विक्टोरियन नोवल विद अ चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट. डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है वो विक्टोरियन नोवल फर्स्ट विक्टोरियन नोवल है जिसमें चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट बनाया गया है. तो ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट विक्टोरियन नोवल है ओलिवर ट्विस्ट डिकेंस का जिसमें चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट है. नेक्स्ट है दस इस प्रकार द विक्टोरियन पीरियड वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ द नोवल. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विक्टोरियन पीरियड है वो नोवल की गोल्डन एज मानी जाती है एंड मोस्ट कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. और मोस्ट कैपेबल है योग्य है ये दिखाने के ये रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड की जो इंक्रीजिंग बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी है जटिलता है उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है एंड वाज आल्सो द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस. और जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है. नेक्स्ट है इसमें अमेरिकन नोवल. विक्टोरियन एज में जो अमेरिकन नोवल था वो उसकी क्या प्रोग्रेस थी क्या ग्रोथ थी क्या डेवलपमेंट था अमेरिकन नोवल का विक्टोरियन एज में. तो यहाँ पर है फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म. अमेरिकन नोवल जो था वो रोमांटिसिज्म से रियलिज्म की तरफ ग्रो किया. By the mid 19th century, the preeminence of literature from the British Isles began to be challenged by writers from the former American colonies.
By the mid 19th century तक the preeminence of literature, जो literature का preeminence था from the British Isles से begin to be challenged, उसे challenge किया जाने लगा, जिसके द्वारा writers from the former American colonies के जो writers थे उनके द्वारा challenge किया जाने लगा. A major influence on American writers at this time was romanticism. अमेरिकन राइटर्स के ऊपर जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो रोमांटिसिज्म का था. द रोमांटिक अमेरिकन नोवल डेवलप्ड फुली विद नथानियल हॉथोर्न्स द स्कारलेट लेटर. जो रोमांटिक अमेरिकन नोवल थे वो बहुत फुली तरीके से डेवलप हुए. किसके साथ डेवलप हुए? नथानियल हॉथोर्न का जो नोवल है द स्कारलेट लेटर, जो कि एक स्टार्क ड्रामा है ऑफ अ वुमेन कास्ट आउट ऑफ अ कम्युनिटी फॉर कमिटिंग एडल्ट्री एडल्ट्री करने के लिए. अ वुमेन कास्ट आउट ऑफ अर कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी के से उसे कास्ट आउट किया जाता है. किसके लिए? एडल्ट्री करने के लिए. ये एडल्ट्री पर एक प्ले है, एक नोवल है, ड्रामा है ये द स्कारलेट लेटर. नेक्स्ट है, बाय द 1880s हाउएवर साइकोलॉजिकल एंड सोशल रियलिज्म वर कॉम्पीटिंग विद रोमांटिसिज्म इन द नोवल. 1880s तक जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल रियलिज्म थी उसे कॉम्पीट किया जा रहा था. किसके साथ? रोमांटिसिज्म के साथ. नोवल में जो साइकोलॉजिकल और सोशल रियलिज्म थी उसे रोमांटिसिज्म के द्वारा कॉम्पीट किया जा रहा था. नेक्स्ट, अमेरिकन रियलिस्ट फिक्शन हैज इट्स बिगनिंग इन द 1870s. अमेरिकन रियलिस्ट फिक्शन की जो बिगनिंग है वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, अमेरिकन रियलिस्ट फिक्शन की? इन द 1870s विद द वर्क्स ऑफ मार्क ट्वेन के वर्क्स के साथ में विलियम डीन होवेल्स एंड हेनरी जेम्स. इन तीनों राइटर्स के वर्क्स के साथ में 1870s में शुरुआत हुई थी अमेरिकन रियलिस्ट फिक्शन की. नेक्स्ट है, मार्क ट्वेन द पेन नेम यूज्ड बाय सैमुअल लेगहॉर्न क्लीमेंस के द्वारा जो पेन नेम यूज किया गया वो मार्क ट्वेन, इन्होंने अपना पेन नेम रखा था. वॉज द फर्स्ट मेजर अमेरिकन राइटर टू बी बॉर्न अवे फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट इन द बॉर्डर स्टेट ऑफ मिसूरी. ये पहले ऐसे अमेरिकन बॉर्न राइटर थे जो सबसे पहले ईस्ट कोस्ट इन बॉर्डर ऑफ स्टेट मिसूरी पर इनका उस स्टेट में इनका जन्म हुआ था. हिज रीजनल मास्टरपीस नोवेल्स वर, इनके रीजनल जो मास्टरपीस नोवेल्स थे वो थे एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन. हेनरी जेम्स वॉज अ मेजर अमेरिकन नोवेलिस्ट ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के मेजर अमेरिकन नोवेलिस्ट थे हेनरी जेम्स. मैनी ऑफ हिज नोवेल्स सेंटर ऑन अमेरिकन्स हु लिव इन और ट्रेवल टू यूरोप. और अधिकतर उनके नोवेल्स से वो किस थीम को सेंटर करते थे? उन अमेरिकन्स के ऊपर थे जो या तो यूरोप में रहते थे या यूरोप के लिए ट्रेवल करते थे. हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके वर्क्स हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द बोस्टोनियंस, द प्रिंसेस कासा मसीमा. इसके बाद है इसमें जेनर फिक्शन विक्टोरियन एज का. जेनर फिक्शन क्या था इसमें? द प्रीमियर घोस्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज शेरिडन ली फन. जो घोस्ट स्टोरी राइटर थे 19th सेंचुरी के वो थे शेरिडन ली फन. उनके प्रीमियर राइटर थे घोस्ट स्टोरी के. हिज वर्क्स इंक्लूड, और इनके वर्क्स से द मैकवेर मिस्ट्री नोवल है वो है अंकल सिलास एंड द गोथिक नोवेला कॉर्मिला. Tells the story of a young woman's susceptibility to the attention of a female vampire. ये इनके घोस्ट स्टोरी नोवल है, ऑरर स्टोरी नोवल है, इनके गोथिक नोवल है कॉर्मिला, जो किसकी स्टोरी बताता है? फीमेल वेम्पायर की स्टोरी बताता है, एक वुमेन के susceptibility की स्टोरी बताता है टू द अटेंशन ऑफ अ फीमेल वेम्पायर. नेक्स्ट है ब्रैम स्टोकर्स ऑरर स्टोरी. ब्रैम स्टोकर की जो ऑरर स्टोरी है ड्रैकुला बिलोंग्स टू अ नंबर ऑफ लिटररी जेनर्स. ये
कई लिटरेरी जेनर से बिलोंग करती है इनकी ऑरल स्टोरी ड्रैकुला, जैसे कि वेम्पायर लिटरेचर, ऑरल फिक्शन, गोथिक नोबल एंड इनविजन लिटरेचर। नेक्स्ट है आर्थर कैनन डॉयल्स शेरलॉक होम्स। आर्थर कैनन डॉयल की जो शेरलॉक होम्स है इज अ ब्रिलियंट लंडन बेस्ड कंसल्टिंग डिटेक्टिव। ये क्या है, बहुत ही ब्रिलियंट लंडन बेस्ड कंसल्टिंग डिटेक्टिव है, फेमस फॉर हिज इंटेलेक्चुअल प्रोवेस। जो किसके लिए फेमस है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रोवेस के लिए फेमस है। ही रोट 4 नोवेल्स एंड 56 शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने 4 नोवेल्स लिखी हैं और 56 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं आर्थर कॉनन डॉयल्स ने। नेक्स्ट है इसमें विक्टोरियन लिटरेचर में चिल्ड्रंस लिटरेचर। इसमें चिल्ड्रंस लिटरेचर की भी ग्रोथ हुई थी। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन डेवलप्ड एज अ सेपरेट जेनर। चिल्ड्रन के लिए जो लिटरेचर थी वो भी एक सेपरेट जेनर के रूप में डेवलप हुई थी। सम वर्क्स बिकेम इंटरनेशनली नोन, और कुछ वर्क्स इंटरनेशनली जाने जाने लगे थे, फेमस हो गए थे, सच एज दोज ऑफ लुइस कैरोल्स, जैसे कि लुइस कैरोल के एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड एंड इट्स सीक्वल, और इसका सीक्वल थ्रू द लुकिंग ग्लास। ये चिल्ड्रंस लिटरेचर थी, चिल्ड्रंस लिटरेचर जो थी वो भी इस पीरियड में सेपरेटली डेवलप हुई थी। नेक्स्ट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ट्रीजर आइलैंड इज अ क्लासिक पायरेट एडवेंचर। लुइस स्टीवेंसन की जो ट्रीजर आइलैंड है वो क्या है, क्लासिक पायरेट एडवेंचर है, पायरेट का इसमें एडवेंचर दिखाया गया है। एट द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के एंड में एंड लीडिंग इन टू द एडवर्डियन एरा, और एडवर्डियन एरा के स्टार्टिंग में बीट्रिक्स पॉटर वॉज एन ऑथर एंड इल्यूस्ट्रेटर। बीट्रिक्स पॉटर एक ऑथर भी थी और इल्यूस्ट्रेटर भी थी। बेस्ट नोन फॉर हर चिल्ड्रंस बुक्स, जिन्हें अपनी चिल्ड्रंस बुक्स के लिए जाना जाता था, विच फीचर्ड एनिमल करेक्टर्स, और जिसमें एनिमल करेक्टर्स होते थे। हर हाईली सक्सेसफुल चिल्ड्रंस बुक इज, और उनकी जो हाईली सक्सेसफुल चिल्ड्रन बुक है वो है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। नेक्स्ट है विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री इज अ पोइट्री रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। विक्टोरियन पोइट्री क्वीन विक्टोरिया के रेन के समय में लिखी गई थी। ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज न्यूमरस पोइटिक आइडियल्स वर डेवलप्ड। और विक्टोरियन एज के समय में कई तरीके के पोइटिक आइडियल्स डेवलप हुए थे, सच एज द इंक्रीज यूज ऑफ द सोनेट एज अ पोइटिक फॉर्म, और जिसमें सोनेट का यूज पोइटिक फॉर्म के रूप में ज्यादा किया गया था। विक्टोरियन पोइट्री रिजेंबल्स द वर्क्स ऑफ द रोमांटिक्स। विक्टोरियन पोइट्री रिजेंबल करती है किसके वर्क्स को, रोमांटिक्स के वर्क्स को रिजेंबल करती है। एज सच रोमांटिक राइटर्स, जैसे कि जो रोमांटिक राइटर्स थे विलियम ब्लेक, कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड शेली, हैड एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन द विक्टोरियन पोइट्स। इनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो विक्टोरियन पोइट्स पर काफी रहा था। द विक्टोरियन पोइट्री वॉज क्वाइट रियलिस्टिक। विक्टोरियन पोइट्री क्वाइट रियलिस्टिक थी इन नेचर एंड क्वाइट लेस आइडियलाइज्ड एज कंपेयर टू द रोमांटिक पोइट्स। विक्टोरियन पोइट्री जो थी वो नेचर में तो रियलिस्टिक थी, लेकिन आइडियलाइज्ड कम थी। अगर कंपैरिजन किया जाए रोमांटिक पोइट्स से तो उनकी तुलना में आइडियलाइज्ड कम थी। विक्टोरियन पोइट्स यूज्ड लैंग्वेज एज वेल एज थीम्स कॉमन टू द सिटी लाइफ। विक्टोरियन पोइट्स ने जो लैंग्वेज यूज की थी और जो थीम्स यूज की थी वो यूज की थी कॉमन टू द सिटी लाइफ। सिटी लाइफ को लेकर उनकी जो थीम्स थी वो उन्होंने यूज की थी, जबकि रोमांटिक्स ने ज्यादातर रूरल लाइफ को लेकर लिखा था। द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाई द रोमांटिक्स बट ऑल्सो बेंट ऑफ इन इट्स ओन डायरेक्शन। इस पीरियड की जो पोइट्री थी वो रोमांटिक्स से इन्फ्लुएंस तो थी, लेकिन ये अपनी ही डायरेक्शन में इसने ग्रो किया था। यानी कि कुछ प्रभाव रोमांटिक्स का था, लेकिन जो इसने ग्रो किया था, जो ग्रोथ हुई थी इसकी, वो इसकी अपनी अपने खुद के वे में की थी। नेक्स्ट है पर्टिकुलरली नोटेबल वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग।
और पर्टिकुलरली इसमें नोटेबल जो था विक्टोरियन पीरियड में वो था डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग का डेवलपमेंट था. अ फॉर्म यूज्ड बाय मेनी पोइट्स इन दिस पीरियड. इस फॉर्म को इस पीरियड में कई पोइट्स ने यूज किया था बट परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसे परफेक्ट किया था. द लीडिंग पोइट्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वर. विक्टोरियन पीरियड के समय जो लीडिंग पोइट्स थे वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड. टेनिसन वॉज पोइट लॉरिट ऑफ द यूके ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन. क्वीन विक्टोरिया के रेन के समय टेनिसन पोइट लॉरिट रहे थे यूके के. ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाई टी एस इलियट एस. और टी एस इलियट ने टेनिसन को डिस्क्राइब किया है एज अ ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज मिलंकोलिया. कि टी एस इलियट ने टेनिसन को क्या कहा है, किस तरीके से उन्हें डिस्क्राइब किया, उनके बारे में कहा है कि वो ग्रेटेस्ट मास्टर है ऑफ मैट्रिक्स एंड एज वेल एज मिलंकोलिया. नेक्स्ट, दांते गैब्रियल रोसेटी वॉज अ पोइट इलुस्ट्रेटर पेंटर एंड ट्रांसलेटर. दांते गैब्रियल रोसेटी इल्यूस्ट्रेटर थे, पेंटर थे एंड ट्रांसलेटर भी थे. ही फाउंडेड द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड. इन्होंने प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड को फाउंड किया था इन 1848 में विद विलियम होलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलेज के साथ में. विलियम होलमैन हंट और जॉन एवरेट मिलेज के साथ में दांते गैब्रियल रोसेटी ने प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड को फाउंड किया था 1848 में. Towards the end of the 19th century, English poets began to take interest in French symbolism. 19th century के end की तरफ जो English poets थे वो किसमें interest लेने लगे, वो French symbolism में interest लेने लगे थे. Two groups of poets emerged in the 1890s. 1890s में दो तरीके के poets के group emerged हुए थे. The Yellow Book poets, first group था जो Yellow Book poets था. Who adhered to the tenets of aestheticism, including Algernon, Charles Swinburne, Oscar Wilde and Arthur Symons. तो जो first group था yellow book का, who adhered to the tenets of aestheticism. उन्होंने क्या अपनाया, aestheticism को अपनाया, aestheticism के tenets बन गए, including इसमें कौन कौन से poets थे, Algernon, Charles Swinburne थे, Oscar Wilde थे and Arthur साइमंस थे. द राइमर्स क्लब जो सेकेंड ग्रुप था वो था राइमर्स क्लब का ग्रुप. दैट इंक्लूडेड इसमें कौन कौन थे, अर्नेस्ट डॉसन, लायनल जॉनसन एंड आयरिश मैन डब्ल्यू बी ईट्स थे सेकेंड ग्रुप में, राइमर्स क्लब में. ईस्ट वेंट ऑन टू बिकम एन इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट इन द 20th century. 20th century में भी ईस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट बने रहे. नोबलिस्ट थॉमस हार्डी रोट पोइट्री थ्रू आउट हिज करियर. थॉमस हार्डी नोबलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं लेकिन उन्होंने अपने पूरे करियर में पोइट्री भी लिखी. बट ही डिड नॉट पब्लिश हिज फर्स्ट कलेक्शन. लेकिन उन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश नहीं किया अंटिल 1898. सो दैट ही टर्न्स टू बी ट्रीटेड एज अ 20th century पोइट. जिससे कि उन्हें 20th century पोइट समझा जाए. यानी कि उन्होंने 1898 तक अपनी फर्स्ट कलेक्शन जो था पोइट्री का वो पब्लिश नहीं किया क्योंकि इन्होंने बाद में पब्लिश किया जिससे कि उन्हें 20th century पोइट भी समझा जाए. नेक्स्ट है इसमें अमेरिकन पोइट्री. विक्टोरियन पीरियड के समय में अमेरिकन पोइट्री में क्या डेवलपमेंट हुआ था. अमेरिका ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मेजर पोइट्स इन द 19th century. अमेरिका में भी 19th century में मेजर पोइट्स प्रोड्यूस हुए जैसे कि एमिली डिकिंसन एंड वॉल्ट व्हाइटमैन. वॉल्ट व्हाइटमैन वॉज अ वर्किंग मैन. वॉल्ट व्हाइटमैन एक वर्किंग मैन थे, अ ट्रेवलर थे एंड सेल्फ अपॉइंटेड नर्स थे ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर एंड अ पोइटिक इनोवेटर. और पोइटिक इनोवेटर भी थे. हिज मेजर वर्क वॉज लीव्स ऑफ ग्रास. इनका मेजर वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास इन विच ही यूजेज अ फ्री फ्लोइंग वर्स. जिसमें उन्होंने फ्री फ्लोइंग वर्ड्स का यूज किया एंड लाइंस ऑफ इरेगुलर लेंथ. और इरेगुलर लेंथ की लाइंस को यूज किया, यानी जो लाइंस थी उनकी जो लेंथ थी वो कोई रेगुलर नहीं थी.
टू डेपिक्ट द ऑल इंक्लूसिवनेस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. क्या डेपिक्ट करने के लिए? अमेरिकन डेमोक्रेसी को डेपिक्ट करने के लिए उन्होंने अपने वर्क्स में फ्री फ्लोइंग वर्ड्स का यूज किया और इररेगुलर लेंथ का यूज किया लाइन्स की. नेक्स्ट है एमिली डिकिंसन ऑन द अदर हैंड लिव्ड द शेल्टर्ड लाइफ ऑफ अ जेंटील अनमैरिड वुमेन इन स्मॉल टाउन एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स. एमिली डिकिंसन जो थी उन्होंने कैसा जीवन जिया? उन्होंने शेल्टर्ड लाइफ का जीवन जिया था. अनमैरिड वुमेन थी जो स्मॉल टाउन में रही थी एमहर्स्ट के मैसाचुसेट्स में. विद इन इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर हर पोइट्री इज इंजीनियस विटी एंड साइकोलॉजिकली पेनिट्रेटिंग. उनकी जो पोइट्री थी वो किस तरह की थी? स्ट्रक्चर उनका फॉर्मल था और वो इंजीनियस थी, विटी थी और साइकोलॉजिकली पेनिट्रेटिंग थी उनकी पोइट्री. तो अमेरिकन जो राइटर्स थे विक्टोरियन पीरियड के समय, अमेरिकन जो पोइट्स थे वो भी काफी फेमस रहे थे, जिसमें एमिली डिकिंसन और वॉल्ट व्हाइटमैन भी हैं. नेक्स्ट है विक्टोरियन ड्रामा. अ चेंज केम इन द विक्टोरियन एरा विद द प्रोफ्यूजन ऑन द लंडन स्टेज ऑफ फासिस म्यूजिक बार्लेस्क एंड कॉमिक ओपेराज. विक्टोरियन एरा में चेंज आया विद अ प्रोफ्यूजन ऑन द लंडन स्टेज. लंडन स्टेज पर किस चीज का प्रोफ्यूजन होने लगा? फासिस का, म्यूजिकल बार्लेस्क का एंड कॉमिक ओपेराज का. दैट कॉम्पीटेड विद प्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एंड सीरियस ड्रामा बाई ड्रामाटिस्ट लाइक जेम्स प्लैंक एंड थॉमस विलियम रॉबर्टसन. जो कॉम्पीट करने लगे, जो फारसीज थी, म्यूजिकल बार्लेस्क थे या कॉमिक ओपेराज थे, वो कम्पीट करने लगे किसके साथ में? शेक्सपियर के प्रोडक्शन के साथ में कम्पीट करने लगे. और जो सीरियस ड्रामास थे किसके? जेम्स प्लैंक के और थॉमस विलियम रॉबर्टसन के. इनके ड्रामास के साथ में भी कॉम्पीट करने लगी थी, यानी कि फारसीज का, म्यूजिकल बार्लेस्क का, कॉमिक ओपेराज का डेवलपमेंट हुआ. आफ्टर डब्ल्यू एस गिलबर्ट ऑस्कर वाइल्ड बिकेम द लीडिंग पोइट. डब्ल्यू एस गिलबर्ट के बाद में ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो लीडिंग पोइट बने एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ द लेट विक्टोरियन पीरियड. और ड्रामाटिस्ट भी बने लेट विक्टोरियन पीरियड के. वाइल्ड्स प्लेज हैव अ मच क्लोजर रिलेशनशिप टू दोज ऑफ द एडवर्डियन ड्रामाटिस्ट. वाइल्ड्स के जो प्लेज हैं उनका जो काफी क्लोजर रिलेशनशिप है उनका टू दोज ऑफ एडवर्डियन ड्रामाटिस्ट. एडवर्डियन ड्रामाटिस्ट के जो प्लेज हैं उनके साथ में उनका काफी मच क्लोजर रिलेशनशिप है. सच एज आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. बर्नार्ड शॉ जैसे कि बर्नार्ड शॉ हैं हुज करियर बिगेन इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी. जिनका करियर 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में स्टार्ट हुआ था. इनकी वाइल्ड्स के जो प्लेज हैं उनका काफी क्लोजर रिलेशनशिप रहा है किससे? जो एडवर्डियन ड्रामाटिस्ट हैं उनके प्लेस के साथ में, उनके वर्क्स के साथ में. जैसे कि जो प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, आयरिश प्ले राइट हैं, उनके वर्क्स के साथ में. वाइल्ड्स कॉमिक मास्टरपीस. वाइल्ड का जो कॉमिक मास्टरपीस है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इनका कॉमिक मास्टरपीस है वाइल्ड का, होल्ड्स एन आयरनिक मिरर टू द एरिस्टोक्रेसी एंड डिस्प्लेज अ मास्टरी ऑफ विट एंड पैराडॉक्सिकल विजडम. ये क्या है? एक आयरनिक मिरर है टू द एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी के लिए एक आयरनिक मिरर के रूप में है. और क्या डिस्प्ले करता है? मास्टरी ऑफ विट, विट की मास्टरी, एंड पैराडॉक्सिकल विजडम को डिस्प्ले करता है. वाइल्ड का कॉमिक मास्टरपीस कौन सा? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट.